निर्वाण दिवस मेरा होगा। अब तक जो कुछ हुआ वो सब कायरता के कारण हुआ, भोग कायरता के कारण हुआ। जाग जाओ, जाग जाओ, अब भी समय है, जाग जाओ, अब भी समय है, मेरी आवाज बन जाओ। जाग जाओ, अब भी समय है, मेरी आवाज बन जाओ। लेनी है आजादी तो, लेनी है आजादी तो अब तुम भगत सिंह बन जाओ। बार बार देता हूं निमंत्रण, बार बार देता हूं निमंत्रण, आखिर कब तक सोओगे? बार बार देता हूं निमंत्रण, आखिर कब तक सोओगे? अब भी नहीं जागे तो मित्रों, अब भी नहीं जागे तो मित्रों, सदियों तक सब रोओगे। अब भी नहीं जागे तो मित्रों, सदियों तक सब रोओगे। जिसको आना है आ जाना, जिसको आना है आ जाना, मैं तो पथ पर निकल पड़ा। फिर मत कहना सबके लिए वो एक जवा दिन खूब लड़ा। मैं तो मर जाऊंगा लेकिन तुम भी ना बच पाओगे। मैं थोड़ा जल्दी जाऊंगा, तुम भी पीछे से आओगे। ये मेरे एक भाई ने मुझे लाइनें भेजी थी जो मैंने आपको पढ़ के सुनाई, जो इस छबड़ा छिपाबड़ोद की जनता का दुख दर्द उसने अपने दिल में समेट के मुझे भेजा है और मुझसे आशा करता है। छबड़ा छिपाबड़ोद की जनता जनार्दन, माताओं बहनों युवा साथियों, किसान भाइयों मंच पर बैठे किसान भाइयों, पंच पटेलों, ये देख लो मंच, ये मंच देख लो। इस पर कोई नेता नहीं है, इस पर कोई नेता नहीं है, कोई पार्टी का झंडा नहीं है। अगर बैठे हैं तो सर्व समाज के पंच पटेल बैठे हैं, पंच पटेल बैठे हैं। कोई कहां से आया, कोई कहां से आया, आपके बेटे को आशीर्वाद देने आया। पिछले समय में एक पार्टी में काम करता था। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेताओं ने कहा कि नरेश जाओ छपड़ा में तैयारी करो, तुम्हारा टिकट फाइनल है, तुम्हें टिकट देंगे। मैंने कहा साहब मैं चला भी जाऊंगा, तैयारी भी करूंगा, मेहनत भी करूंगा, लेकिन वहां की जो राजनीति है, वहां की राजनीति बड़े आदमियों के हाथ में है, करोड़पति अरबपतियों के हाथ में है। आप मेरे से मेहनत भी करवा लोगे, मेरा पैसा भी खर्च करवा दोगे, और फिर पता चला कि उन्होंने इतना पैसा दे देंगे जो मेरी मेहनत पे पानी फिर जाएगा, मेरे पैसों पे पानी फिर जाएगा। और आज वही हुआ, आज वही हुआ। मैंने मेहनत भी करी, लोगों का दिल जीतने का प्रयास भी किया और टिकट मांगने का प्रयास भी किया, लेकिन जब उनको लगा यहाँ के व्यापारी जो लोग नेतागिरी में बैठे हैं, जो बीजेपी कांग्रेस का गठबंधन है, बीजेपी कांग्रेस के जो मिलकर जो नेता यहाँ नेतागिरी करते हैं, उनको लगा ये जो कहावत है, एक कहावत गांव में कहते हैं, भूत के लक्कड़ पालने में ही दिख जाते हैं। और ये नेता तो इस तरह से जानते हैं, इन नेताओं को ये लगता है कि कोई व्यक्ति अगर राजनीति में किसान परिवार से आएगा, गाँव के परिवार से आएगा, खेत बाड़ियों में काम करके आ गया और संघर्ष की राजनीति करके आएगा, तो ये हमारी दलाली की राजनीति, हमारी पैसे की राजनीति को खत्म कर देगा। इसलिए यहाँ के बीजेपी कांग्रेस के सभी बड़े नेताओं ने एक होकर वही किया जो मैं यहाँ 2 महीने पहले कहता था। मैं कहता था मेरा नेता मजबूत है, मेरा नेता मुझे टिकट देगा, लेकिन मैं जानता था कि हो सकता है एक दिन ऐसा है जब मेरे नेता की नहीं चलने दे, क्योंकि मैंने देखा यहाँ जो 100 करोड़ के आदमी बैठे हैं, यहाँ के व्यापारी बैठे हैं, वो राष्ट्रीय पार्टियों के राष्ट्रीय नेताओं को खरीदने की औकात रखते हैं। मैंने कहा था, प्रमोद जैन भैया कहता था, मेरा पैसा राहुल गांधी तक जाता है, मेरा पैसा खड़गे तक जाता है, मेरा पैसा ICC तक जाता है, मेरा पैसा डोटासरा तक जाता है। मैं समझता तो था जब इसका पैसा राहुल गांधी तक जाता है, इसका पैसा खड़गे तक जाता है, तो नरेश अकेला सचिन पायलट कहाँ तक तेरी लड़ाई लड़ेगा, अकेला सचिन पायलट कहाँ तक लड़ाई लड़ेगा। लेकिन मेरे भाइयों, इस बीच में
अगर नरेश मीणा यहाँ रहा, नरेश मीणा अनुत की धरती में रहा तो हो सकता है नरेश मीणा हजारों लोगों को लेके, क्योंकि मेरे प्लान कर रखा था यहाँ के आम जनता को लेके, हजारों लोगों को लेके मैं प्रदेश कांग्रेस कार्यालय पे टिकट मांगने जाने वाला था। इनको ये पता लग गया कि नरेश मीणा हजारों लोगों को लेकर टिकट मांगेगा तो फिर वो हमारे पैसों में पानी फेर देगा, उसको टिकट देने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। लेकिन इन्होंने फिर क्या षड्यंत्र किया, इन्होंने षड्यंत्र किया मेरे भाइयों, मेरे पे झूठे आठ मुकदमे लगा दिए। एक महीने में इस हिंदुस्तान में किसी नेता पे आठ मुकदमे नहीं लगे जितने आपके बेटे पे। इस बारह की धरती में आठ मुकदमे केवल मात्र एक महीने में इन्होंने लगा दिया, और उससे भी इनका पेट नहीं भरा, उन मुकदमों से पेट नहीं भरा। इन्होंने दो बार आपके बच्चे को जेल भेज दिया, उससे भी इनका पेट नहीं भरा। तब इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरी राजभाषा की फाइल खोल दी, मेरी राजभाषा की फाइल खोल दी। आप शायद लोग नहीं जानते, या तो जो गुजरात में हार्दिक पटेल पे जो केस लगाया गया था, हार्दिक पटेल पे जो राजभाषा लगाई गई थी, हार्दिक पटेल को जो गुजरात से बाहर रखने की साजिश रची गई थी, आपका बेटा वो वीर बेटा है, आपका बेटा वो बहादुर बेटा है, जिस पर भी राजस्थान की सरकार प्रमोद जैन भाया प्रताप सिंह सिंघवी ने मिलकर राजभाषा खोलने का प्रयास किया। और इनका मन था कि नरेश मीणा को एक साल के लिए जेल डाल दो, ना रहेगी बांस ना बजेगी बांसुरी, जब नरेश मीणा नहीं रहेगा, नरेश मीणा चुनाव में लड़ेगा ही नहीं तो कौन बात रखेगा। और यही कारण कि मैं पिछले एक महीने से, आपको पता है चुनाव सिर पर था, टिकट सामने था, लेकिन आपका बेटा चुनाव की तैयारी नहीं कर पाया, टिकट की लड़ाई नहीं लड़ पाया। अरे मैं तो फरारी काट रहा था, मैं तो यहाँ से 500 किलोमीटर 4 किलोमीटर यहाँ की पुलिस ने आपके बेटे को तड़ीवर की ठोकर खिलाने के लिए मजबूर कर दिया, आपके बेटे को फरारी काटने के लिए राठौर जिसके पास 2-4 वोट नहीं है उसको टिकट दिला दिया। मेरा नेता ने लड़ाई लड़ी, मेरे नेता की नहीं चल पाई। और मैं जानता हूँ मेरा नेता कहीं भी होगा, कहीं भी होगा, लेकिन उसका आशीर्वाद मेरे साथ, मेरे नेता सचिन पायलट का आशीर्वाद मेरे साथ है। और मैं इस मंच में कहना चाहता हूँ, इस चाचा में कहना चाहता हूँ, मैंने जो गुजर मीणा समाज की इस राजस्थान में एक लकीर खींची है, जो लकीर मैंने स्वार्थ की खींची है, जो लकीर मैंने भाईचारे की खींची है, जो गुजर मीणाओं को मिलाने की राजनीति सचिन पायलट ने और नरेश मीणा ने इस राजस्थान में चालू की है, उसको कोई रोक नहीं सकता, उसको कोई टोक नहीं सकता। जब तक मैं जिंदा हूँ मेरी रगों में खून दौड़ता है। मैं राजस्थान में जो किसान कम्युनिटी है, चाहे वो जाट समाज हो, यादव समाज हो, जो भी किसान अपने देश की आजादी के लिए कुर्बान हो गए। नरेश तूने क्या किया, तूने तो कुछ नहीं किया। नरेश तेरे बिना मुकदमे लगे, जेल गया, कुछ नहीं हुआ। मैं भी भगत सिंह बनना चाहता, लंबी रेस का घोड़ा, लंबी जिंदगी नहीं जीना चाहता। नरेश मीणा 100 साल नहीं जीना चाहता, नरेश मीणा 2 साल 2 साल 4 साल जीना चाहता है। लेकिन नरेश मीणा ऐसा बनना चाहता है जो नरेश मीणा जब नरेश मीणा शमशान घाट की तरफ जाए तो एक ही इच्छा रखता हूँ कि नरेश मीणा के दान संस्कार में इतने लोग इकट्ठे हो जाए, जब बड़े बड़े नेता बड़े बड़े लोगों के दान संस्कार में लोग इकट्ठे नहीं हो, इतनी सी इच्छा। टिकट कटा दिया, टिकट नहीं दिया। और आप देखो आदरणीय पायलट साहब की वजह से किस तरह से मुझे लाड प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। ये आपके सामने, ये गुजर बाबा कहां से चल के आए, ये सपना देखते, ये देखते हैं कि कोई मीणा समाज में भी एक बच्चा ऐसा पैदा हुआ जो सब जातियों को लागे लेकर चलना चाहता है, सब जातियों में जात सुहार बनाना चाहता है। मैं छबड़ा छिपावड़ों की आपसे कहना चाहता, यहाँ लोग कहते हैं कि यहाँ तो टिकट वाला जीतेगा, यहाँ तो फलाना जीतेगा। आपके बेटे ने सन 2004 में राजस्थान की राजधानी में सबसे बड़े विश्वविद्यालय का टिकट मांगा था। राजस्थान की राजनीति में राजस्थान विश्वविद्यालय का एक अपना स्थान है, और उसका मैंने टिकट मांगा था। उस समय भी वहां भी यही होता था, यूनिवर्सिटी में भी यही होता था, जो पैसे वाले थे, जिनके पास पैसा था, करोड़ों रुपए थे, उनको टिकट मिलता था।
पार्टी उनको टिकट देती थी। 2004 में मैं जब चुनाव लड़ा तो वहां भी मुझे एनएसयूआई ने टिकट नहीं दिया था, लेकिन आपके बेटे ने हार नहीं मानी। 2004 में बिना टिकट के चुनाव लड़ा और फिर मैंने शौकत खाई, मैंने शौकत खाई थी कि जब तक नरेश मीणा जिंदा है, जब तक छात्र राजनीति में हूँ, इन टिकट वालों को, इन पैसे वालों की दुकानें बंद कर दूंगा। और आज आपने देखा होगा जो युवा साथी है वो मेरे इतिहास को अगर जानते हो तो मैंने वो कर दिया। राजस्थान विश्वविद्यालय में जो बीजेपी का संगठन है, एनआईबीपी जो एनएसयूआई संगठन है कांग्रेस का, उन जो जो जिनको टिकट देते हैं हम सब मिलके उनके टिकट को भूंगड़ी बना के और वापिस भेज देते, हम सब लोग टिकट को वापिस भेज देते। अगर आपने इस छबड़ा छिपा विरोध की जनता ने आपके बेटे को आशीर्वाद देने की का प्रयास किया, आपने मुझे आशीर्वाद दिया, आपने मुझे जिताया, तो ये तय मान लीजिए, ये तय मान लीजिए, अगली बार जिसको भी टिकट मिलेगा, ये पार्टी जिसको टिकट के लिए ढूंढेगी वो कहीं न कहीं कोई किसान का बेटा होगा। आज कितना बड़ा अपमान है, 24,000 धाकर समाज उसको टिकट नहीं, जो 20,000 लोधा समाज उसको टिकट नहीं, 45,000 मीणा समाज उसको टिकट नहीं, दलित समाज एससी समाज 45,000 उसको सब टिकट नहीं। उपेंद्र शर्मा जो बेचारा दो बार प्रधान नहीं बनने दिया, जिसको एक बार जिला प्रमुख नहीं बनने दिया, उसको टिकट नहीं, वो भी अभी मेरी तरह बहादुरी का परिचय दे। उपेंद्र शर्मा को भी मैं दाद देना चाहता हूँ, उसको धन्यवाद देना चाहता हूँ, उसके माँ बाप को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने भी कम से कम सड़क पर आकर इन दलालों से लड़ने का प्रयास। और मुझे लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है ये चुनाव उपेंद्र शर्मा नरेश मीणा के बीच में हो, ये चुनाव उपेंद्र शर्मा नरेश मीणा के बीच में होगा। प्रताप सिंह भी चौथे नंबर पे जाएगा और करण सिंह का पता नहीं कौन से नंबर पे रहेगा, लेकिन अगर टक्कर रहेगी तो केवल उपेंद्र शर्मा नरेश मीणा के बीच में होगी। और मेरी सिर्फ उपेंद्र शर्मा के साथ भी उसी तरह से कुटारा घात किए गए, उस ब्राह्मण के लड़के के साथ भी उसी तरह से यह कुटारा घात किए गए जैसे आपके बेटे के साथ। और उपेंद्र शर्मा, मैं आपको मेरे बात सुन, कहीं भी उपेंद्र शर्मा के कार्यकर्ता मिले, उपेंद्र शर्मा प्रचार करता मिले, जय नारायण जी धाकर साहब अगर चुनाव लड़ते हैं, जय नारायण जी नागर साहब चुनावी मैदान में उतरते हैं, तो ये सब हमारे सम्मानीय है, वो भी लड़ाका है, वो भी योद्धा है, इनका सम्मान करना, माला पहनाना, इनको झूठा गलत जवाब मत देना। लेकिन छबड़ा छिपा विरोध की जनता सोगत खा लो कि प्रताप सिंह सिंघवी और करण सिंह के टपकी नहीं लगानी। मैं आपसे निवेदन करना चाहता 70 साल हो गया प्रताप सिंह भी 6 बार एमएलए बन गयो, उको बाप एमएलए बन गयो, उको एक बड़ो बाप भैरव सिंह शेखावत न्यासु में एमएलए बन मुख्यमंत्री बन गयो, और उको बाप बल्लू ने टिकट मिलता है काहे की ये छबड़ा पिछड़ा हुआ एरिया इसका विकास करूंगा। अरे प्रताप सिंह भी तू 6 बार एमएलए बन गया, तेरा बाप एमएलए बन गया, तेरा बड़ा बाप भैरव सिंह शेखावत एमएलए बन गया, मुख्यमंत्री बन गया, 70 साल में तू इसको पिछड़ापन भी नहीं तू सुधार सका, तू इस छबड़ा का विकास नहीं किया, तो तू बुढ़ापे में क्या विकास करेगा। प्रताप सिंह भी तूने जो जवानी में इस छबड़ों का विकास नहीं किया तो अब इस बुढ़ापे में क्या विकास करेगा। और दूसरा वो एक ठाकर साहब आदरणीय ठाकर करण सिंह राठौर 2008 में एमएलए बना दिया, सरकार बन गई, कुछ नहीं कर पाया। 2013 में टिकट कटा बैठा, 2018 में फिर चुनाव लड़ा, चुनाव हार गया, और जब जब यहाँ की जनता उसके पास गई, एक तरफ प्रताप सिंह भी दादागिरी की राजनीति करता था, मुकदमों की राजनीति करता था, लोगों को डराने की राजनीति करता था, और दूसरी तरफ वो करण सिंह राठौर जो क्या कहता था, कभी भी चल जाओ, मारे तो चला ही कौन है, मारे तो कोई सुने ही कौन है, तो तारी ऐसी लड़ सके
थारी चाले कौन है, थारी कोई सुने कौन है, फिर तू काय कर चुनाव लड़े छे? रुक जाओ ना बाबा, रुक रुक। थारी चाले कौन है, थारी थारी लुगाई तो सुने छे, कौन सुने की तू पूछ लियो। करण सिंह थारी लुगाई थारी सुने छे ना सुने छे तो बता। आपका बेटा, आपका बेटा दो महीने में आया है, मात्र दो महीने आपके बीच में तक घुमा है। मेरे पास कोई वार्ड पंच नहीं, मेरे पास कोई पद नहीं था, लेकिन यहाँ के लोगों ने कहा कि साहब माँ का लोड सेटिंग का नाम पर लाइट काट ले छे, आएंगे माँ का लोड सेटिंग आओ चल लाइट काट ले छे, जाइए ना इनको फोन करा जा तो खेचे लोड सेटिंग आ गयो। मन का मैं आ रहा हूँ सेटिंग करने, मना मैं आ रहा हूँ सेटिंग करने, एक एक पहुंच गया छिपा पड़ो, और वो सब आपने देखा, वो अय्यर का कैसे ऊंचा नीचा हो रहा था। एक व्यक्ति जिसको आपने तीन बार 15 साल से करण सिंह राठौर को देख रहे हो, जो कहता मेरी चलती नहीं है। एक वो व्यक्ति सिंह भी जो अब तक कहता था, अब तक कहता था 70 साल से जिसको वोट दे रहे हो, देख लेना वोट दे दे, नहीं तो देख ले। और जिस दिन से मेरा नाम सुना ना उसने कि नरेश आ रहा है, अब कह रहा है गिड़गिड़ा है वोट दे दे वोट दे। मैं मुजीम भाई, हां मुजीम भाई, और मुजीम भाई कह रहे थे डर की राजनीति फलानी राजनीति। मैं कह देना चाहता हूं प्यार से चुनाव लड़ूंगा, पैर छूकर चुनाव लड़ूंगा, किसी का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन अगर किसी ने छबड़ा छिपरों की धरती पर किसी दलाल नगर बहकाने की कोशिश की, दुष्प्रचार करने की कोशिश की, किसी ने पैसा बांटने की कोशिश की, किसी ने दारू बांटने की कोशिश की, तो गांव में पेड़ों के बांध देंगे, दलालों को पेड़ों के बांध देंगे, जूता देंगे। और मैं कह देना चाहता किसी दलाल ने पैसे बांटने का प्रयास किया, दुष्प्रचार करने का प्रयास किया, दारू बांटने का प्रयास किया, तो सुन लेना, चाहे फिर तुम कोई भी हो, ना प्रताप सिंह सिंघवी भी बचाने आएगा, ना करण सिंह बचाने आएगा, क्योंकि ये जनता जाग चुकी है, ये जनता जाग चुकी है। मैं देख रहा हूँ जनता का जो जनभावना हमारे साथ है, मुझे लगता है आने वाले समय में केवल वोट पड़ेगा, पोलिंग पर जाएगा तो नरेश मीणा को देने वाले जाएंगे। और मैं ये भी जानता हूँ कि ये सिंघवी और प्रताप सिंह, सिंघवी और करण सिंह के साथ कुछ लोग जो पार्टी की वजह से घूम रहे हैं, उनका वोट भी हमें मिलने वाला है, और वो वोट भी देंगे तो उनकी लुगाई का छोरे का वोट तो नरेश को मिलने वाला है, ये तय है, पक्की बात। मैं चुनाव युवाओं की दम पर लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव किसानों की दम पर लड़ रहा हूँ, मैं चुनाव सर्व समाज की दम पर लड़ रहा हूँ। आप सबका आशीर्वाद मिलेगा ऐसी आशा करता हूँ। और लोग कहते हैं मेरे फोन आते हैं, ऐसा मत करना, वैसा मत करना, ऐसे नारे मत लगाना, ये मत करना। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ सब करना, क्या सब करना, जो मैं कहूं जो करूं। अब मैं क्या कह रहा हूं कि आज के बाद नारों से वोट नहीं बनते। वो तो कह रहे कि उनको क्या लगता पता है कि नारे लगाएंगे, ये हुड़दंग करेंगे, ये लठ चलाएंगे, वो बेवकूफ है। मैं राजस्थान विश्वविद्यालय से पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पढ़ा लिखा राजनीति करता हूँ, मेरे साथ जो सैकड़ों लड़के आए वो बाहर से पढ़े लिखे आए, हम सब जानते हैं चुनाव कैसे। मैं आपसे कहना चाहता हूँ मुझे नारों की जरूरत नहीं, मुझे भीड़ की जरूरत नहीं, मुझे तो जरूरत है कि आप एक एक वोट के छबड़ा छिपोड़ के एक एक वोट के पैर पकड़ लो, एक एक वोट के पैर पकड़ लो, उनके दंडवत हो जाओ, उनको यह आश्वस्त कर दो कि कभी भी तुम्हें नरेश की जरूरत पड़ेगी तो तुम्हारे साथ नरेश को खड़ा कर देंगे। ये जिम्मेदारी, दंडवत हो पैर पकड़ के वोट मांगो। नारों से वोट नहीं मिलता, सभाओं से वोट नहीं मिलता। आप कहोगे तो आपके बेटे के पास ऐसे ऐसे दान दाता है, ऐसे ऐसे पैसे देने वाले हैं। अगर मैं कहूं कि मुझे 5 दिन हेलीकॉप्टर घुमाना छपड़ा छिपड़ो के ऊपर, तो 5 दिन हेलीकॉप्टर घुमा दूंगा। मेरे पास ऐसे ऐसे लोग हैं, अगर मैं उनको कहूंगा कि मुझे छपड़ा छिपड़ो की जनता के लिए
वो ऐश्वर्या राय कैटरीना कैफ को नचा देंगे, लेकिन इनसे वोट नहीं, इनसे तो वोट बिगड़ गए, इनसे तो वोट बिगड़ गए। और वो सामने वाले यही चाहते हैं कि उड़ता वो सभाएं हो, माहौल खराब हो और नरेश को हम बदनाम घोषित कर दे, नरेश को हम गुंडा घोषित कर दे। लेकिन उनकी गलत गलत उनकी गलत गलत भी है। मैं पटेल के घर में पैदा हुआ हूँ, मेरे पिताजी मेरे दादाजी, मैं पटेल खानदान से आता हूँ। जिस घर में अगर कुछ खिला नहीं पाए तो जिस घर में ये नियम है, ये कानून है कि किसी को बिना पानी प्यास से बिना खाने के नहीं जाने, मैं उस घर में पैदा हूँ। मैं उस घर में पैदा हुआ हूँ जो जयपुर में 20 साल राजनीति करके आया, जो जयपुर में अरबों रुपए कमा सकता था, लेकिन मुझे पता था मैं ऐसा कोई कर्म नहीं करूंगा, ऐसा कोई काम नहीं करूंगा कि मेरे माँ बाप को कभी लज्जित होना पड़े, मेरे माँ बाप को नीचा देखना पड़े, मेरे गांव को नीचा देखना पड़े, मेरे लोगों को नीचा देखना पड़े। और 25 साल की इस राजनीति में आज तक कोई ये नहीं कह सकता कि नरेश मीणा पे कोई फूटी कोटी का दाग है, नरेश मीणा पे कोई फूटी कोटी। नरेश मीणा तो बेचारा 6-6 महीने खेतों में पड़ा रहता, और आज मैंने देखा है पर टाइम नहीं था। परसों तक मैं कंफ्यूज था, परसों तक मेरा मन था कि मैं पीपलदा से लड़ू छबड़ा से, क्योंकि पीपलदा में भी छबड़ा से ज्यादा लोग मुझे चाहते। लेकिन जब कल समीकरण मैंने देखा, कल टिकट का जब मुझे पता लग गया कि मैं टिकट चेतन को मिल रहा है, तो फिर मैंने लगा कि वहां ठेक नहीं, अब छबड़ा ही चुनाव लड़ेंगे। और 2 दिन की एक गाड़ी हमने किराए पे नहीं लगाई, एक मोटरसाइकिल में पेट्रोल नहीं डाला, और उसके बावजूद भी आप मुझे जो आशीर्वाद देने आए हो, अगर यही आशीर्वाद 25 तारीख तक आपका बना रहा तो आपका बेटे को कोई जीतने से रोक नहीं सकता, कोई रोक नहीं सकता। और हो सकता है ये हम सबके खुश नसीबी हो, हम सबके भाग्य में यही लिखा हो कि पार्टी से अगर मैं एमएलए बन जाता तो पार्टी का एमएलए कैसा होता है पता है? जैसे वो बेलों को अपन कूड़ी निकालते, हड़ निकालते खेत में, और बेल के वो बांध देते छीका, क्या बांधते कि वो बेचारा बेल जो है वो खेत में डोलेगा तो सही, लेकिन कुछ खा नहीं पाएगा, नुकसान नहीं कर पाएगा। तो हो सकता है इस कांग्रेस टिकट मिल जाता, आप एमएलए बना देते और वो कांग्रेस वाले मेरे छीका लगा देते कि तू ये तो बोलेगा, ये नहीं बोलेगा, ये करेगा, वो नहीं करेगा, उसके मंच में जाएगा, उस जगह नहीं जाएगा। लेकिन अब आपका कौन सा बेल है? ये बेल है जो खुला घुमाते हो, कौन क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ये वो है। इसको अगर एमएलए बना दिया तो एक खुला हुआ है जिसको तुम चाहो जैसे चलाना, तुम चाहो जिसके खेत में उड़ा देना, तुम चाहो जिसके उधर चला देना, तुम्हें जहां मर्जी आए इस बेल का इस्तेमाल कर लेना, कूड़ी में इसको लगा लेना, हड़ में इसको लगा लेना, दूध निकालने के लिए इसको लगा लेना, हर तरह से आपका ये योद्धा तैयार खड़ा है, आपका योद्धा मैदान में। अंत में आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद के साथ इतना सा निवेदन करना चाहूंगा जो मेरे बाहर के साथ किया है। अब एक बात और कहते हैं, बाहर के लड़के आते हैं, अरे करण सिंह तेरे किसी रिश्तेदार को तो बुला ले तू 500 किलोमीटर से, प्रताप सिंह सिंह भी तू बुला ले, इनको प्रचार करने के लिए 5-5 आदमी नहीं मिल रहे, और मेरे लिए 100-100 गाड़ियां, कोई धौलपुर करौली टोडा भीम अलवर वहां तक के लड़के आ रहे, क्यों आ रहे हैं भाई, क्यों आ रहे हैं? मेरे से क्या स्वार्थ है? अब तो ये स्वार्थ भी नहीं है कि चुनाव का क्या होगा, निर्दलीय लड़ रहा हूं, फिर भी ये आ रहे हैं, खुद का डीजल चला के आ रहे हैं, पैसे देने आ रहे हैं, क्योंकि आपके बेटे ने आपके भाई ने जहां भी रहा है जिस जगह भी रहा है केवल लोगों का दिल जीतने का काम किया है, लोगों का विश्वास जीतने का काम किया है, लोगों का भरोसा जीतने का काम किया है, इसलिए ये लोग मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देख रहे चुनाव देख रहे, आज तो चुनाव हम मांडा है, अब कल से खेल स्टार्ट होगा, कल से बैटिंग चालू होगी। मेरे जो युवा साथी हैं, आपके गांव मुझे वोट मांगने आएंगे, जो मेरे जयपुर धौलपुर करौली वहां से जो लड़के आए हैं, उनको आप अपने गांव में देखना, उनको अगर आपने अपने घर में बिठाया तो वो आपके बच्चों को शिक्षित करके जाएंगे, उनमें से कोई ऐसा आएगा जो कलेक्टर बनने की तैयारी कर रहा है, कोई ऐसा आएगा जो आरएस बनने की तैयारी कर रहा है, कोई ऐसा आएगा जो आने वाले समय में कस्टम बनेगा, कोई ऐसा आएगा जो तहसीलदार बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, ये जो बच्चा
आ रहे हैं, जो सुंदर सुंदर बच्चे आ रहे हैं, ये सारे बच्चे पढ़ने वाले हैं। सारे बच्चे 90-90, 70-70, 80-80% अंक लेकर जयपुर में पढ़ते हैं। ये आपके बच्चे यहाँ आ रहे हैं, अगर आपने इनको आशीर्वाद दिया, आपके गांव में जब ये घूमेंगे, आप अपने बच्चों को इनसे मिलवाना, आपके बच्चों को भी नई लकीर देंगे, आपके बच्चों को गाइडलाइन देंगे कि किस तरह से पढ़ाई होती है, किस तरह से नौकरियां मिलती है। मैं आपसे विश्वास दिलाता हूँ, एक बार आपके बेटे को बना दो, आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। थर्मल की राख खाने के लिए मजबूर नहीं पड़ेगा। अगर थर्मल में नौकरी करेंगे तो आपके बच्चे थर्मल में नौकरी करेंगे, आपका कब्जा होगा, आपको लाइट 24 घंटे मिलेगी, आपको खाद 24 घंटे मिलेगा। आपने देखा होगा, मैंने 12 में कलेक्टर को कहा था कि कलेक्टर साहब, हर साल खाद की लाइनें लगती लट पड़ते हैं, इस बार अगर खाद की लाइन लग गई तो देख लूंगा। क्या किसी किसान को खाद की लाइन में लगना पड़ा इस बार? तो बिना पद के, बिना उसके आपका बेटा लड़ सकता है? तो आप बना दो, एक बार आप बना दोगे तो आपका बेटा जो यहाँ बोल रहा है ऐसे किसी दिन राजस्थान की विधानसभा में बोलेगा और पूरा राजस्थान छपड़ा छिपा विरोध को जानेगा। इस छपड़ा छिपा विरोध को प्रताप सिंह सिंह भी 70 साल में नहीं जना पाया, करण सिंह 15 साल में नहीं जना पाया। पिछले 2 महीने में आपके छपड़ा छिपा विरोध को पूरा हिंदुस्तान के नेता जान गए, पूरा हिंदुस्तान के लोग जान गए कि कोई छपड़ा छिपा विरोध है। जहाँ एक युवा नरेश मीणा हुंकार भर रहा है और लड़ाई लड़ रहा है, ये लड़ाई आपकी दम पर है। अब ये हार जीत आपके हाथ में, मैं जीतूंगा तो आप सब जीतोगे, मैं हारूंगा तो आप सब हारोगे। आप हाथ खड़े करके कहो, हाथ खड़े करके सौगंध कहो कि नरेश मीणा बन के मुझे आशीर्वाद दोगे, मुझे चुनाव भेज के दोगे। बोलो बोलो गुगेर माता की, बोलो गुगेर माता की, बोलो छपड़ा की जनता की, बोलो छिपा विरोध की जनता की। अब आप सब यहाँ से, मैं, मेरी पत्नी, बच्चे और ये औरतें, हम आगे आगे चलेंगे धन्नाटा चौराहे से, वापस आएंगे, सब लोग शांति से चलेंगे। नारे लगाना, कोई उल्टा सुल्टा नारा मत लगाना। और एक 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 विशेष आग्रह, एक विशेष आग्रह ये है, एक विशेष आग्रह ये नारा, एक विशेष आग्रह ये, ये शेरा इस तरह नारे नहीं लगाना, है ना, कोई गलत नारा नहीं। हेलो साथियों, हम सबको शांति पूर्वक तरीके से इस छपड़ा की सड़कों पर नरेश भाई साहब के पीछे पीछे बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से हमें इस छपड़ा की जनता को ढोकते हुए चौराहे से वापस यही आना है। कोई भी किसी प्रकार का गलत नारेबाजी और गलत कमेंट